शाहिद कपूर बी टाउन के मोस्ट डैशिंग एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। अभिनेता इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीते दिन शाहिद कपूर और कृति सैनन की एक फिल्म में साथ आने की घोषणा हुई थी, तभी फैंस काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो उठे हैं। ये दोनों बॉलीवुड के पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं। अब हाल ही में शाहिद ने खुलासा किया है कि कबीर सिंह फिल्म करने के लिए उन्हें उनकी पत्नी ने मनाया था। मीरा राजपूत के कहने पर शाहिद ने की थी कबीर सिंह। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित शाहिद कपूर और किया रानवाड़ी स्टार कबीर सिंह 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वांगा की तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी, जिसमें विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे ने अभिनय किया था। पिंक विला से बातचीत में शाहिद कपूर ने खुलासा किया कि वह शुरुआत में कबीर सिंह नहीं करना चाहते थे, यह उनकी पत्नी मीरा राजपूत ही थी जिन्होंने उन्हें फिल्म करने के लिए मनाया था। कबीर सिंह करने पर था ऐसा शाहिद का पहला रिएक्शन। शाहिद ने कबीर सिंह करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, मेरा पहला जवाब था कि मैं किसी भी तरह से यह फिल्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह लड़का एक नया है और उसने पहले से ही इस फिल्म में इतना अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया, क्या होता जब आप किसी को पहली बार कैमरे पर देखते हैं, चाहे वह कोई भी हो, आप उनके किरदार में घुल मिल जाते हो, फिर आप उसकी जगह किसी और को स्क्रीन पर देखना पसंद भी नहीं करते हो। इस वजह से अभिनेता ने मानी पत्नी की जिद। इसके बाद शाहिद ने मीरा की प्रतिक्रिया के बारे में खुलासा किया और बताया कि कैसे उन्होंने अभिनेता को कबीर सिंह करने के लिए मनाया। वह बस मुझे देखती रही और 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बस चुप रहो और करो, यह तुम्हारे लिए एकदम सही फिल्म है। मैंने कहा, सच में? तब उन्होंने कहा, हाँ, लोग तुम्हें इसमें देखना पसंद करते हैं, प्रेम कहानियों और उलझे हुए किरदारों में देखना पसंद करते हैं।